हेलो एंड वेलकम टू गेमिंग टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस मैं आज, जैसे कि आप जानते हो, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बनाने वाले हैं अपना मेन घर, जो कि होगा अपना मेन बेस। और गाइस जो लोगों ने पिछले एपिसोड्स, जो कि है एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, नहीं देखा, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और आगे खतरनाक खतरनाक सी वीडियो आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये वीडियोस मिस कर दो। इसलिए जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे पुराने वीडियोस देख लो, और गाइस ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना वीडियो के नीचे एंड लाइक करना, एंड जितने भी लोगों को आप जानते हो सबको हमारा वीडियो शेयर करो, जिससे और भी लोग हमारा वीडियो देख सके। एंड गाइस अब बिना कोई बकवास किए जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो में। तो गाइस आज हम फाइनली अपना मेन बेस बनाने वाले हैं, लेकिन आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेस चाहिए होंगे। और गाइस जल्दी से हम लोग रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग घर बनाएंगे। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक स्पाई ग्लास बना लेंगे, एंड डायमंड जो हमें मिले थे लास्ट एपिसोड में उनका एक पिकैक्स बना लूँगा, और हम लोग इसको जल्दी से जल्दी Fortune 3 का एन्चेंटमेंट देंगे, जिससे हम लोग कम डायमंड्स भी अगर हमें मिले तो ज़्यादा डायमंड्स ले सकते हैं और हम अपना पहला डायमंड आर्मर बना सकते हैं। तो मैं पहले कुछ टॉर्चेस बना लूँगा अभी, एंड कुछ पिकैक्सेस आयरन वाले बना लूँगा, और इसके बाद हम लोग जाएंगे माइन करने। एंड गाइस बाहर हमारे घर के बाहर एक पैरेट इंतज़ार कर रहा है उसके नाम के लिए, तो आप लोग प्लीज़ कोई, अगर आपके मन में कोई नाम हो तो प्लीज़ सजेस्ट कर देना, जिससे हम लोग उसे नाम दे सकें। एंड गाइस अभी चलिए हम लोग जाके जल्दी से जो भी रिसोर्सेस चाहिए होंगे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो पहले मुझे डीप स्लेट चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस केव के अंदर जाएंगे और जितना हो सके डीप स्लेट माइन करेंगे हम लोग। और यहाँ से मेरे ख्याल से वाई लेवल -59 पे हमें डायमंड्स मिलने के चांसेस है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि वाई लेवल -59 पे जाके माइन करूँगा, जिससे हमें कुछ डायमंड्स भी मिल सकें। और हम लोग उन डायमंड्स को अभी माइन नहीं करेंगे, जब हमें Fortune 3 का एन्चेंटमेंट मिलेगा तब जाके हम लोग उसको माइन करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा डायमंड्स मिल सके। यहाँ पे मैं एक केव में आ गया, यहाँ मैं कुछ निशान लगा लूँगा टॉर्चेस से, जिससे मुझे पता चले कि मैं यहाँ से नीचे आया हूँ। और यहाँ पे पहले हम लोग कुछ टॉर्चेस लगा लेंगे, जिससे रोशनी हो जाए और मॉब्स ना स्पॉन हो, एंड देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ मिला तो वो भी ले लेंगे हम लोग। एंड मुझे कुछ आयरन दिख रहा है, तो आयरन कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। कॉपर भी बहुत सारा है, लेकिन कॉपर हम लोग बाद में कलेक्ट करेंगे। और आयरन ले लिया मैं, अभी चलते हैं नीचे हम लोग वाई लेवल -59 पे। एंड गाइस हमारे पिछले वाले वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है प्लीज़ बोल देना, जिससे मैं कुछ चेंजेस कर सकूँ और अच्छे से आपको प्रेजेंट कर सकूँ। एंड ये वीडियो बनाने में, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से बना, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए थे घर बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर देना उसके लिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे बिल्ड्स बनाने का। तो चलते हैं अभी हम लोग नीचे, एंड हम लोग डीप स्लेट लेवल पे पहुंच गए, और भी नीचे चलते हैं। एंड गाइस हम लोग फाइनली नीचे आ गए वाई 56 पे, -56 पे। एंड चलिए अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, हम लोग थोड़ा डीप स्लेट माइन कर लेंगे एंड जितना हो सके उतना कलेक्ट कर लेंगे, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ओ भाई मैं कुछ सामने आया, बस कुछ थोड़ा आगे आया और हमें डायमंड्स दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कलेक्ट नहीं करता अभी, वो मैं कलेक्ट करने वाला था यार इसको गलती से, अच्छा हुआ नहीं कलेक्ट हुआ। देखते हैं पूरा क्लियर करके, देखते हैं कि कितने डायमंड्स हैं यहाँ पे, और बाद में आके हम लोग Fortune 3 के एन्चेंटमेंट के साथ आके हम लोग इन्हें कलेक्ट करेंगे। और गाइस मुझे कुछ यहाँ पे 12 डायमंड्स मिले यार, 448, और टोटल 12 डायमंड्स है, बहुत बड़ी वेन है यार। तो चलिए और आगे माइन करते हैं हम लोग। ओ भाई साहब सिर्फ 2 ब्लॉक आगे आया और डायमंड्स हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से सिर्फ 4 ही डायमंड है यहाँ पे।
तो और मेरा इन्वेंट्री भी बहुत सारा फुल हो गया, तो एक काम करते हैं, वापस आ गए हम लोग और ये सामान रख देंगे और जो भी दूसरे रिसोर्सेस चाहिए वो भी कलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मुझे कुछ स्प्रूस वुड भी चाहिए, तो जल्दी से स्प्रूस वुड कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं मिडीवल टाइप का हाउस और मिडीवल हाउसेस में स्प्रूस वुड बहुत अच्छा लगता है। आपको किस तरह के घर पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड कौन सा वुड आपको ज़्यादा पसंद है वो भी बता देना। हमने स्प्रूस कलेक्ट कर लिया, अभी ओक भी कलेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो जल्दी से जाके ओक भी कलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों को हनी के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, हनी के लिए कुछ फार्म टाइप, जिससे हमें कॉपर को क्या बोलते हैं एज होने से बचा सकें, कॉपर ब्लॉक्स को। तो लेकिन फिलहाल अभी हम लोग घर पे फोकस करते हैं और ओक हमने कलेक्ट कर लिया, इसे घर में रखते हैं। और मेरे ख्याल से हमें कुछ सैंड भी चाहिए जिसे हम ग्लास बना सकें स्मेल्ट करके, तो जल्दी से ओक को घर में रखते हैं और जल्दी से जाके सैंड कलेक्ट कर लेंगे। इस पैरेट को क्या नाम दें आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना यार। तो गाइस अभी जल्दी से चल के हम लोग सैंड भी कलेक्ट कर लेंगे। मैं हमारे घर के पीछे वाला जो रिवर है वहाँ पे आ गया और मुझे कुछ सैंड भी दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से जाके इसे कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस ये देखो कितना डरावना दिख रहा है यार, कितना नीचे है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हॉर्स चाहिए जिससे हम लोग क्या बोलते हैं नीचे ना गिर के डैमेज ज़्यादा ना लें। और ऐसे तो क्या बोलते हैं बिना हॉर्स के तो गिर गिर के ही बहुत सारा आर्मर डैमेज हो जा रहा है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी से सैंड कलेक्ट करते हैं और चलते हैं। एंड गाइस अगर आपको घर बनाने वाला पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा आप लोगों को। एंड जल्दी से अभी घर चलते हैं। एंड मैंने स्मेल्ट कर लिया गाइस सैंड को और मैंने कुछ सामान अपने घर जहाँ बना रहे हैं वहाँ भी पहुँचा दिया। अभी बस कुछ सामान चाहिए वो लेके हम लोग चलते हैं और चल के मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी वक्त आ चुका है कि मैं हमारे घर वाली जगह आपको दिखाऊँ। तो मैंने हमारे जो सामने घर पुराने घर के सामने जो पहाड़ी है उसी के ऊपर मैंने घर बनाने का सोचा है, तो चलिए चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे केव्स है यार, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। और गाइस मैं इस वर्ल्ड का सीड आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे पिंड कमेंट में भी देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ से ले लेना। और गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए, ये देखिए यार बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बीच में एक बेकार सा माउंटेन भी था, मैंने उसे हटा दिया और जगह को थोड़ा फ्लैट कर लिया जिससे हम लोग हमारा घर बना सकें। एंड अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इधर भी देखिए, इधर भी बहुत सारा नीचे जाना है। देखिए यार बहुत अच्छी जगह है, तो जल्दी से हम लोग सामान कलेक्ट करते हैं और बनाता हूँ मैं अपना घर। और मैं स्प्रूस लॉग्स ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड स्प्रूस से मैं क्या बोलते हैं एक लेआउट बना लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो डर्ट से हम लोग क्या बोलते हैं बीच में लगा लेंगे जिससे हमें डिस्टेंस का पता लगे। एंड इसके ऊपर मैं क्या बोलते हैं वुड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। हम लोग पूरा घर नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ लेआउट और आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये हमारा लेआउट बन गया, एक सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए गाइस इसमें हम लोग नीचे लगाएंगे कॉबलस्टोन, और जो फर्स्ट फ्लोर होगा उस पे मोस्टली स्ट्रिप्ड ओक लॉग्स लगाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कॉबल स्टोन लगा रहा हूँ, बाद में हम लोग इसे टेक्सचर दे देंगे, लाइक कोई और स्टोन्स भी लगा लेंगे वहाँ पे। ये स्टोन के साथ ऐसा दिख रहा है घर, और यहाँ पे एक ओवर हैंग के जैसा भी बना लेंगे हम लोग स्ट्रेयर्स लगा के, और पीछे घर के पीछे एक बालकनी के जैसा भी बना लेंगे। और ये सब एक ओवर हैंग के जैसा बना के बनाएंगे हम लोग, लाइक पिलर्स नहीं होंगे इसके, बस एक छोटा सा ओवर हैंग होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा बना के, और इसके ऊपर हम लोग फिर स्टेयर्स लगा लेंगे यहाँ पे, और सब जगह लगा लूँगा मैं, लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। और गाइस ये देखिए हमारा ओवर हैंग बन गया, इसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं ओक लॉग्स वगैरह लगाएंगे और घर हमारा थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। और पीछे वाले हिस्से में हम लोग बालकनी बना लेंगे जिससे हमें अंदर और ज़्यादा जगह मिल सके और कुछ वहाँ बना सकें। तो चलिए अभी स्प्रूस और ओक लॉग्स लगा के मैं दिखाता हूँ एक स्ट्रक्चर बना के।
और इन बीच में जो ओवरहैंग्स है यहाँ पे स्लैब्स लगा लेंगे थोड़े, जिससे पूरा एरिया कवर हो जाए। तो जल्दी से लगा लेता हूँ और सब में ऐसे ही लगा लेंगे हम लोग। ये देखिए गाइस, मैंने एक ऐसा बनाया, यहाँ पे स्ट्रिप्ड ओक लॉक से मैंने क्या बोलते हैं घर की दीवार बनाई, बाहर का हिस्सा। एंड गाइस ये देखिए मैंने पूरा बना लिया अंदर वाला, कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट करके बताना यार। और हमने बना लिया पूरा, फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग रूफ बनाएंगे, तो चलिए मैं रूफ बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस बाहर से ऐसा लग रहा है, इसके बाद हम लोग जल्दी से अभी रूफ बना लेंगे। ये देखिए मैंने रूफ का एक स्केलेटन बना लिया, बाहरी स्केलेटन। अभी हम लोग इसमें डीप स्लेट टाइल्स लगाएंगे, और डीप स्लेट टाइल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, तो डीप स्लेट टाइल स्टेयर्स और डीप स्लेट टाइल्स जो है वो लगाएंगे, उनसे रूफ कंप्लीट करेंगे। और गाइस ये हमारा रूफ कंप्लीट बन चुका है, आपको 1 सेकंड में मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। और गाइस यहाँ पे हम लोग लैंटर्न्स लगा लेंगे, मैंने विंडोज भी बना लिए, और आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ 1 सेकंड में। अभी पहले बाहर से दिखाऊंगा घर आपको। तो गाइस फाइनली आपका, मेरा और हम सब का इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा घर बन के रेडी हो गया यार। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी यार, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि घर कैसा लगा। एंड अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ, 1, 2, 3, अरे कितनी गिनती करवाएगा। हाँ ये देखिए गाइस, ओ भाई साहब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। हमने एक पाथ भी बना लिया यहाँ पे, एंड फेंसेस के ऊपर मैंने लैंटर्न लगाया जिससे यहाँ पे लाइटिंग रहो और मॉब्स कम स्पॉन हो। और गाइस मैंने टेक्सचर भी दे दिया इसको यहाँ पे, कॉबल स्टोन को, कॉबल स्टोन हटा के थोड़ा स्टोन ब्रिक्स वगैरह। अभी अंदर चलते हैं। एंड गाइस ये देखिए मैंने स्टेयर्स से एक डिज़ाइन बना लिया यहाँ पे, लाइक कुछ अच्छा लगे, और बैम्बू लगाया। एंड ये रहा अपना एंट्रेंस, कंपोस्टर पे बुशेस के जैसा लगाया लीव्स, और ये है चिमनी बनाया मैं, एंड ये सीटिंग एरिया, और एक छोटा सा स्टोरेज बनाया। एंड मुझे इंटीरियर उतना क्या बोलते हैं बनाने नहीं आया, मगर हम लोग चलते खेलते खेलते सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी चलते हैं ऊपर जाके, ऊपर का दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस अभी ऊपर चलते हैं। हाय पैरेट यार, इसका नाम बोलो यार आप बिना भूले। तो चलिए अभी ऊपर चलता हूँ। एंड गाइस यहाँ से हम लोग सनसेट के मज़े ले सकते हैं, और अभी अंदर चलते हैं। ये रहा एंट्रेंस, और यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग लगाया, और कंपोस्टर में एक ट्री के लीव्स लगाया। एंड ये है सीटिंग एरिया, एंड ऊपर मैंने कुछ बुक शेल्फ्स लगा दिए। एंड ये होगा अपना रीडिंग एरिया, मेरे को उतना ज़्यादा इंटीरियर बनाने नहीं आया, मगर आप अभी के लिए एडजस्ट कर लो यार। एंड ये किचन, और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल एक छोटा सा, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं बनाया, इसको हम लोग फ्यूचर में कुछ ना कुछ बना लेंगे यहाँ पे। और ये हमारा बेडरूम है, 1 सेकंड अभी दिखाता हूँ बेडरूम गाइस कैसा लग रहा है आप बोल देना। एंड आर्मर स्टैंड में हम लोग पुराना आर्मर रख देंगे। और ये बालकनी यार, बालकनी से देखो पीछे कितना अच्छा व्यू है हमारा, और यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। और बालकनी में और कुछ डेकोरेशन करना पड़ेगा, मैं फ्यूचर में कर दूंगा वो, अभी रिसोर्सेस बहुत कम पड़ रहे थे। अभी बाहर चलते हैं, और बाहर पीछे से मैं दिखाता हूँ। तो गैस हम पीछे आ गए, ये देखिए यार यहाँ पे मैंने रोजेस लगा दिए, और कुछ फ्लावर्स भी लगा दिए। बोन मिल से मैंने पूरा बोन मिल यहाँ पे छिड़क दिया, जिससे थोड़ा ओवरग्रोन लगे। अभी ऊपर जाके मैं बालकनी दिखाता हूँ आपको बाहर से कैसा लग रहा है। ये देखिए यार बालकनी बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने चिमनी से, हमारी चिमनी से धुआं भी निकल रहा है। वहाँ पे हमने ऊपर एक क्या बोलते हैं कैंप फायर रख दिया, जिससे धुआं निकल रहा है। और चिमनी में बहुत क्या बोलते हैं, पहली बार बना रहा हूँ, आपको कैसा लगा बताना। एंड इतना बड़ा घर भी मैं पहली बार बना रहा हूँ मेरे ख्याल से, कैसा लगा बताना। तो गैस यहाँ पे भी मैंने कुछ बुशेस लगा दिए। और गैस हम लोग अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे बिल्ड्स करेंगे। तो गैस जब तक के लिए पीस आउट।